ফের উত্তপ্ত বাংলাদেশ, সেবার হিংসা ছড়ালো বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকায়। সংঘর্ষে এখনো পর্যন্ত চারজনের মৃত্যুর খবর রয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় চলছে অগ্নিসংযোগ। পার্বত্য এলাকার 3 জেলায় 144 থানা জারি করেছে ইউনুস সরকার। হিংসায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনুস। বুধবার খাগড়াছড়ি জেলায় একজনকে পিটিয়ে খুনের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার গোটা দিন দেখিনালা উপজেলায় দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটে। শুক্রবার হিংসা পাশের জেলা রাঙামাটিতেও ছড়িয়ে পড়ে। এখনো পর্যন্ত নিহত হয়েছেন 4 জন, আহত শতাধিক। সংঘর্ষের সময় দোকানপাট এবং বাড়িঘরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, প্ল্যানেট ত্রিপুরা নিউজ। हमारा लोगों के संग जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारा चकमा भाई और भाई बहनों के साथ, और जो हमारा रिप्रेस कमेटी भाई और बहनों, जो हमारी बंगाली भाई और बहनों के साथ जो हो रहा है, हम लोग यही चाहते हैं कि पीसफुल मेंटेन कीजिए। कि जो अभी बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट जो चल रहा है, अभी जो हत्या, मर्डर, टॉर्चर, मारपीट, जो घर जलाया दिया है, एज पर द रिपोर्ट हम लोग अभी सोशल माध्यम की तरफ से जो हम लोग मिला है कि मोर देन 100 घर पूरा जला दिया है वो लोग, और मोर देन 67 अभी पूरा कैजुअलिटीज टिल डेट अभी पूरा मर गया, और अभी बहुत सारा चीज अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग आज दीप्रमोथा और YTF, जो हमारा बुबकला, हमेशा चाहते हैं कि हम जो माइनॉरिटीज कमिटी, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द कंट्रीज जो माइनॉरिटीज के लोगों को जो अत्याचार करें, इसी खिलाफ को बुबकला हमारा महाराज ने हर रोज बात करती जा रहा है। इसलिए हम लोग आज ये पीसफुल एजिटेशन या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं YTF के माध्यम से और दीप्रमोथा YTF TWF के माध्यम से।